बसमीम सजाद मद की तरफ से सबको सराह पहुँचे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि बुक है बी एस सी टू ई कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम पंजाब यूनिवर्सिटी का हिस्सा है और ये इसका चैप्टर नंबर सेवन है जिसका नाम डाटा कम्युनिकेशन है और ये इसका लेक्चर नंबर छत्तीस है चलें स्टार्ट करते हैं After watching this video, you will be able to answer this question. Voicemail is like that. Answering machine, yes or no. Global positioning system is a sky based system. Yes or no? News group is related to web. Yes or no. Uses of communication technologies. Uses of communication technologies. Yani communication technology ka small वॉइस मेल में वॉइस मेल क्या चीज़ है वॉइस मेल इसी तरह है जिस तरह हम मैसेज लिखते हैं लेकिन वो वॉइस में होता है जिस तरह वॉइस मैसेज ऐसा ही है जैसे हम वॉइस में मैसेज भेजते हैं वॉइस मेल इज़ लाइक एन आंसरिंग मशीन ये आंसरिंग मशीन की तरह होती है इट गिव्स द फैसिलिटी टू कॉलर टू लीव ए वॉइस मैसेज एक तरह की मशीन है जिसके अंदर फैसिलिटी होती है कि यूज़र को वॉइस मैसेज सहूलत होती है कि आप अपना वॉइस मैसेज छोड़ के चले जाएँ जिस तरह हम कहीं विजिट करते हैं तो अगला बंदा अगर नहीं अवेलेबल तो हम वहाँ अपना मैसेज छोड़ देते हैं इसी तरह वॉइस मैसेज अगर का हम कॉल करते हैं तो अगला बंदा अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हम वॉइस मैसेज छोड़ देते हैं ताकि जब भी वो आए तो वॉइस मैसेज को सुन के आंसर कर सके कंप्यूटर स्टोर द एनालॉग सिग्नल ऑफ द वॉइस इन डिजिटल फॉर्म कंप्यूटर जो होता है वो वॉइस जो कि एनालॉग में होती है वो इसको सेव करके रखता है डिजिटल फॉर्म में इट इज़ इस्टोर इन द वॉइस मेल बॉक्स और कंप्यूटर के अंदर जो वॉइस मेल बॉक्स होता है उसके अंदर यह सेव करके रखता है वॉइस मेल बॉक्स इज ए स्टोरेज लोकेशन ऑन ए कंप्यूटर इन द वॉइस मेल सिस्टम वॉइस मेल सिस्टम के अंदर ये स्टोर होते हैं वॉइस मेल सिस्टम यूजली प्रोवाइड्स इंडिविजुअल वॉइस मेल बुक्स फॉर मनी यूजर्स यानी कि मैनी यूजर के लिए वो हर एक के लिए इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग वॉइस मैसेज बॉक्स प्रोवाइड करता है ए कॉल पार्टी कैन लिसन ए मैसेज जिसको कॉल किया जाता है या की जाती है वो मैसेज को सुन सकती है एंड एड कमेंट्स कमेंट्स एड कर सकती है रिप्लायर उसका रिप्लाई कर सकती है या फॉरवर्ड भी कर सकती है सेम वही चीज़ है जो हम किसी मैसेज में हम व्हाट्सएप में करते हैं कोई मैसेज सुनते हैं फॉरवर्ड भी कर सकते हैं उसका कमेंट्स भी कर सकते हैं या रिप्लाई भी कर सकते हैं अगर हम अवेलेबल नहीं हैं व्हाट्सएप पे तो कोई हमें वॉइस मैसेज भेजता है तो हम जैसे अवेलेबल होंगे तो हमें वॉइस मैसेज मिल जाएगा तो ये इसी से मिलते जुलती बात है फैक्स के अंदर ये कैसे इस्तेमाल होती है टेक्नोलॉजी फैक्स में कन्जिस्ट ऑफ हार्डवेयर टाइप टेक्स्ट या फोटोग्राफर्स ई टी सी फैक्स कैन बी यूज बाई यूजिंग फैक्स मशीन इस फैक्स को हम फैक्स मशीन के जरिए इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर फैक्स मॉडम या कंप्यूटर के साथ जो फैक्स मॉडम होता है उसके जरिए हम फैक्स भेज सकते हैं कंप्यूटर फैक्स मॉडम इज़ मोर इकोनॉमिकली दैन फैक्स मशीन कंप्यूटर फैक्स मॉडम जो है वो ज़रा सस्ता होता है फैक्स मशीन की नस्बत इट सेव्स पेपर्स एंड द मैसेज कैन आल्सो बी स्टोर इन द कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंदर हम जो फैक्स के मैसेज आते हैं उसको हम सेव कर सकते हैं तो ये फैक्स मशीन की एग्जांपल है इसके बाद है ईमेल ईमेल स्टैंड फॉर एलेक्ट्रॉनिकल मेल इट इज़

इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि जो हम मैसेजिंग करते हैं मोबाइल पर वो इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ द रियल टाइम इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसिज़ इट नोटिफाइज दूजर वन वन आर मोर पीपल आर ऑनलाइन एंड दैन अलाउ टू एक्सचेंज मैसेज या फाइल्स वैन विद दैम इट कैन बी यूज इन डेस्क टॉप कंप्यूटर नोटबुक कंप्यूटर वायरलेस या वेबैडिड हैंडल हैंड हेल्ड कंप्यूटर तो हम ये व्हाट्सएप की एग्जाम्पल है कि हम कोई भी मैसेज फटाफट भेज सकते हैं सुन सकते हैं अपने मालूम शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर पे भी डेस्क टॉप पर नोटबुक पे भी सिर्फ इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए चैट रूम चैट रूम इज़ यूज टू टॉक विद द अदर पीपल इन रियल टाइम वाइल कनेक्टेड विद द इंटरनेट दूसरे लोगों के साथ इंटरनेट से कनेक्ट होते हुए हम बातचीत कर सकते हैं वैसे तो नॉर्मल इंस्टेंट मैसेज में एक बंदा एक से कर रहा होता है लेकिन ग्रुप चैट में क्या होता है या रूम चैट में क्या होता है हम एक टॉपिक पर मुख्य लोगों की राय ले रहे होते हैं यहाँ चैट कर रहे होते हैं उसके मतलब एग्जाम्पल है सम चैट रूम्स रूम अपोड चैट वीडियो चैट एंड रेडियो चैट रेडियो चैट प्ले म्यूज़िक ड्यूरिंग चैट जो रेडियो चैट है उसके अंदर डूरिंग द चैट म्यूज़िक प्ले होता है तो ये तो ये चैट रूम की एग्जाम्पल है कि ये मुखलिफ़ लोग हैं वो एक ही टॉपिक के ऊपर अपने अपने ख्याल डिस्कस कर रहे हैं न्यूज़ ग्रुप न्यूज़ ग्रुप इज़ एन एरिया ऑन वेब टू कनेक्टेड वेब टू कंडक्ट रिटन डिस्कशन अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि वैसे जैसे कोई ग्रुप जैसे हम न्यूज़पेपर का कोई ग्रुप जहाँ चैनल देखते हैं तो उसके अंदर किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है तो इस तरह हम न्यूज़ को भी इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये सुन सकते हैं फिर इंटरनेट टेलीफोनी है इंटरने इंटरनेट टेलीफोनी इज़ यूज टू टॉक टू अदर पीपल ओवर द इंटरनेट इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हम इतने लोगों से बातचीत कर सकते हैं व्हाट्सअप इसकी एग्जाम्पल है इट इज़ आसो कार दॉस ओवर आई इसको वॉइस ओवर आई भी कहते हैं इट यूज़ द इंटरनेट टू कनेक्ट ए कॉलिंग पार्टी एंड मोर देन वन कॉल्ड पार्टीज यूजिंग इंटरनेट टेलीफोन सॉफ्टवेयर और ये सॉफ्टवेयर के जरिए हम एक बंदे और एक से ज़्यादा लोगों को हम कॉल कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं वैन द यूजर स्पीक वैन कोई एक यूजर स्पीक करता है इंटरनेट टेलीफोन सॉफ्टवेयर एंड साउंड डिजिटाइज कंप्रेस देश स्पोकन वर्ड्स तो वो क्या सॉफ्टवेयर क्या करता है जो हमारे बोले के अलफा उनको कंप्रेस करता है वो फिर उनको डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करता है दर्ड्स आर देन ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट टू दल पार्टीज फिर उन वर्ड्स को ट्रांसमिट कर दिया जाता है ताकि अगले बंदे तक पहुंच सकें तो ये इसकी एग्जांपल है कि हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होकर मुतल लोगों से रता कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ वीडियो एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट ए मीटिंग बिटवीन पार्टिसपेंट एट टू आ मोर जियोग्राफिकली सपरेट लोकेशन इट इज़ यूज फॉर टेक्निकल स्पोर्ट जॉब इंटरव्यू डिस्टेंस लर्निंग यानी कि हम इंटरनेट के थ्रू दुनिया के मुख्तु हिस्से से बिलोंग करते हुए लोगों के साथ रबता कर सकते हैं और मुख्तलि टॉपिक पर भी डिस्कस कर सकते हैं जैसे जॉब इंटरव्यू डिस्टेंस लर्निंग और टेक्निकल स्पोर्ट तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ये एक मेडिकल बोर्ड है जो कि किसी प्रेशन के मतलब आपस में डिस्कशन कर रहा है ये मुख्य कंट्री से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उसके बाद कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन इज़ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद अदर यूज़र कनेक्ट एट ए सर्वर यानी कि एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं उसके थ्रू सब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं जो जो भी उससे कनेक्ट होता है वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे होते हैं कुछ लोग एक किसी एक खास प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर का रहे होते हैं तो वो सब लोग अपना अपना जो डाटा है रिसेंटली का वहाँ शेयर कर रहे होते हैं सर्वर कंप्यूटर पर ताकि सब लोग सर्वर कम्प्यूटर को एक्सेस करें और लेटेस्ट अपडेट वहाँ से हासिल कर सकें तो इस तरह ऑनलाइन हम आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं तो इसके एग्जांपल ये लिखा हुआ है आप दूसरों पर ट्रस्ट कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं सपोर्ट कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं इंस्पायशन कर सकते हैं ई टी सी सम यूज़र्स कोलेबोरेट विया ई मेल कुछ ई मेल के जरूर करते हैं वेयर। ग्रुप वेयर इज़ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेट इज़ यूज बाई ग्रुप ऑफ डेट वर्क टूगेदर ऑन प्रोजेक्ट एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ओवर ए नेटवर्क तो ये ग्रुप वेयर जो है ये खास बनाई से ले जाता है कि हमने किसी खास प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो जो जो उस लोग उस ग्रुप से लेट करते हैं या प्रोजेक्ट के लेट करते हैं वो उनका एक ग्रुप बना दिया रहता है वो अपने अपने अपडेट और अपने अपनी वर्किंग को शेयर करते रहते हैं वो सब इंटरनेट के थ्रू होता है इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इंक्लूड नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क होगा आपस में नेटवर्किंग होगी तो आपस में वो डाटा शेयरिंग कर सकेंगे हार्डवेयर जरूर होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर तो लाजमी होना चाहिए या कोई डिवाइस होनी चाहिए इसके बाद सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर इंस्टॉल होगा जो कि उनका डाटा आपस में शेयरिंग कर सकेगा इट इज़ यूज बाई दी ग्रुप मेम्बर्स टू कम्युनिकेट मैनेज प्रोडक्ट शेड्यूल इट ई सी और ये ग्रुप के अंदर प्रोडक्ट को मैनेज करना शेयरिंग करना इस काम के लिए इस्तेमाल होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कंजिस्ट ऑफ वन आ मोर अर्थ बेस्ड सर्विसेज डेट रिसीव एंड एनालाइज सिग्नल सेंट बाई सैटेलाइट टू दर्मन द रिसीवर जियोग्राफिकल लोकेशन जिसको हम जी पी एस भी कहते हैं जी जैसा ये गूगल मैप है वो भी इसी को इस्तेमाल करते हुए जी पी एस को हमारी मदद करता है किसी भी जगह हमने पहुँचना हो तो इट कैन बी म्यूटेड ऑन ऑटोमोबाइल, बोट एयरप्लेन या कंप्यूटर सम जी पी एस रिसीव डिस्प्ले लोकेशन मैप यूजिंग स्क्रीन तो ये गूगल मैप की ही एग्जैम्पल है थैंक यू फॉर वाचिंग हाफिज अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल वो पूछे दिए गए क्विज़ के आंस कमेंट्स करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें